तो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 20th ऑफ मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये जो कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसको, फॉरेन की कंट्री के लोगों को। तो अभी रिसेंटली 56th समिट हुआ था इसका, या फिर कह सकते हो ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कि बांग्लादेश में बैठा हुआ है। ओके, तो उनके द्वारा इस चीज़ को कंडक्ट किया गया था। और उसमें मतलब बताया गया कि लाइक अब तक हमने 4000 से ज़्यादा जो बांग्लादेश के जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको बेनिफिट मिला है सिंस 2007। और हमने जो ये प्रोग्राम है या फिर जो कॉर्पोरेशन है इसको 1964 से लॉन्च किया हुआ है। और अब तक हमने लाइक हर साल इसमें 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं, 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट इस पर आते हैं फ्रॉम 160 डिफरेंट कंट्रीज। ओके, जो इनके साथ पार्टनर किया हुआ है। तो जो हमने अभी जो ढाका में या फिर जो कह सकते हो बांग्लादेश में जो हमने किया है उसमें जो कैंडिडेट जो ट्रेंड हुए थे उन्होंने COVID-19 के टाइम पे काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट स्किल या फिर स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं वो अपने कंट्री में उन्होंने किया। साथ में उनको जब वो लोग ये सब कर रहे थे तो उसके लिए IIM जो भुवनेश्वर है उसमें इन लोगों को ट्रेनिंग मिला था। ओके, और साथ ही में यहाँ पे इनको और भी डिफरेंट सेक्टर्स की इसमें ट्रेनिंग मिलती है लाइक गुड गवर्नेंस, हाउ टू डील विद पेंडेमिक और इन सब चीज़ों के ऊपर इसमें बात की गई थी। ओके, तो काफ़ी एक अच्छा लाइक इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव है फॉर फॉरेन नेशंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स। राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज सी, विच इज इंडिया। तो यहाँ पे अराउंड 23.5 लाख लोगों की लाइक प्री मेच्योर डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड रिलेटेड टू दैट। तो यहाँ पे जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं लाइक उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉक्सिक भी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, एंड इसको पब्लिश कौन करता है, तो इट्स लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल। ओके, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे पब्लिश करता है कि किसकी सबसे ज़्यादा मतलब एयर पॉल्यूशन है और लाइक कौन किसकी जरूरत मतलब किस कंट्री में इससे रिलेटेड कितनी जाने जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वादानगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी, विच इज गुजरात। तो जो वादनगर है यहीं से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है यहीं से बिलोंग करते हैं और उनका पूरा चाइल्डहुड यहीं पे बीता है। ओके, तो यहाँ पे बात की जाएगी किस चीज़ के बारे में, लाइक टू शेयर एंड एक्सचेंज, शेयर एंड एक्सचेंज न्यू स्ट्रैटेजीज परस्पेक्टिव आइडियाज एंड डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ वादनगर। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के ऊपर बात किया गया और हेरिटेज डेस्टिनेशन भी इस चीज़ को बनाने की बात की गई क्योंकि वादनगर से काफ़ी लाइक पुराना इसमें रिलेशन भी है, काफ़ी ओल्ड हिस्ट्री भी रह चुकी है इसकी, तो उन सब चीज़ों के ऊपर बात किया गया। साथ में यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ का एक म्यूज़ियम बनाने की बात की गई है और उस म्यूज़ियम में वादनगर से रिलेटेड, गुजरात से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वहाँ पर रखी जाएंगी। ओके, तो वादनगर कहाँ पे, इट्स इन गुजरात। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मोदी जी का बर्थ प्लेस है और पूरा चाइल्डहुड उन्होंने यहीं पे स्पेंड किया है एंड बाकी देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हसन शेख मोहम्मद हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज सी, विच इज सोमालिया। तो ये सोमालिया को हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं बिकॉज इसका जो शेप है वो समहाउ इस तरीके से। ओके, तो इसलिए हम इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है इसको। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो ये शेख हसन मोहम्मद जी हैं ये 10th प्रेसिडेंट हैं अभी सोमालिया के, और इससे पहले जो 8th प्रेसिडेंट थे वो भी सेम यही बनते थे, यही बनता था मतलब। ठीक है, तो ऐसा जो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यही कि भाई शेख मोहम्मद जो हैं वो प्रेसिडेंट बने किस कंट्री के, सोमालिया के, यही तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज चैंपियन ऑफ द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022। सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज सी, विच इज ओरिजा। तो ओरिजा की इसका नाम क्या है, इसकी जो टीम है इट्स हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओरिजा। इसने हराया किसको है, कर्नाटका को, कितने से, लेकिन मुझे ये स्कोर्स 0। ओके वेट अ सेकंड, इट्स 0 and 2, 6 हो गया है ऊपर, तो 0 again 6, हाँ 0 and ओरिजा का 2। तो इसको करके ये हरा चुके हैं। एंड जो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर जी जो हैं, उन्होंने सिंपली बोला है कि भाई जो ओरिजा जो है वो आने वाले टाइम पे ग्लोबल हब बनेगा हॉकी का, और ये सच में ये हॉकी को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं। एंड इवन जो इंडियन हॉकी टीम है वो उसको जो स्पॉन्सर करने का काम है वो भी ओरिजा गवर्नमेंट ने किया है। बताया भी नहीं है ये कब तक करने वाले हैं, ये उन्होंने बताया वो 2023 तक, यानी कि 2033 तक इन्होंने इस चीज़ को स्पॉन्सर करने की बात की गई। ओके, सारा खर्चा ओरिजा गवर्नमेंट उठाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशी डे सेलिब्रेटेड। राइट आंसर ऑफ सिक्स इज ए, विच इज 20th ऑफ मई, यानी कि आज ही का दिन। ओके, सो ये बेसिकली आज ही का दिन नहीं, मतलब थर्ड फ्राइडे ऑफ मई बनाया जाता है, लेकिन थर्ड फ्राइडे जो आता है उसमें, अब वो थर्ड फ्राइडे में 20, 25 कुछ भी हो सकता है, मतलब दो या तीन दिन का ही डिफरेंस होता है,
तो वो कभी भी हो सकता है, लेकिन मेन मेन इंपॉर्टेंट है कि थर्ड फ्राइडे ऑफ मे को हम लोग नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशी डे बनाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर अवेयरनेस मतलब करते हैं कि लाइक दे आर मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आर इको सिस्टम। साथ में यहाँ पे रिस्टोरेशन एफर्ट और फॉर रिवाइवल ऑफ दी इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो जितनी भी स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड जो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे हैं उनको वापस से रिवाइवल करा के उनको एक पूरा झुंड तैयार करने की बात की थी। ओके, इसको लाइक जो ये डे है और सॉरी ये जो इंडेंजर्ड स्पीशी है ये हमारे इंडिया में इसके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ जिसका नाम है इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973। ओके, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। एंड दिस विल इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ओके, तो ये दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर डे से रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवीन श्रीवास्तव हैज़ बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, राइट आंसर ऑफ सेवन्थ इज सी विच इज़ नेपाल। तो नेपाल में अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी दौरे पे गए थे, लुम्बिनी गए थे। ओके, लुम्बिनी गए थे और जब उनका दौरा खत्म हुआ तभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि भाई अब नवीन श्रीवास्तव जी वहाँ के अम्बेसडर बन जाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली 1993 के बैच के हैं। ओके, और ये IFS ऑफिसर है। ओके, इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS, काफ़ी ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पद होता है, लाइक IAS, IPS और फिर IFS का कहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली गोपाल विट्ठल हैज़ बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी, राइट आंसर ऑफ एट्थ इज बी विच इज एयरटेल। तो ये एयरटेल भारती यानी कि भारतीय एयरटेल बोर्ड जो है इन्होंने इनको रीअपॉइंट किया, इससे पहले भी ये अपॉइंट हो चुके हैं और इनको यहाँ पे अभी 5 सालों के लिए सीधा अपॉइंट कर दिया, यानी कब तक 31 जनवरी 2028 तक ये अभी भारतीय एयरटेल का लाइक हेड रहेंगे, MD और CEO बने हुए रहेंगे। ओके, तो भारतीय एयरटेल का कब मतलब फॉर्मेशन हुआ था, तो 7 जुलाई 1995 इंडिया। ओके, हम लोग भारतीय एयरटेल के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे एयरटेल एक मल्टीनेशनल कंपनी ना कि सिर्फ इंडिया में काम करती है और भी अलग अलग कंट्रीज में इसका ब्रांचेज हैं और काम भी करती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ऑफ अमेरिका, सो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ सी विच इज डॉक्टर कमला भाभा। ओके, तो ये ऑलरेडी एक मतलब अपॉइंट होने इलेक्ट होने से पहले ये ATREE, ओके, इसके मेंबर थे ये पहले। इसका फुल फॉर्म क्या है, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट। तो ये और ये जो जिसमें ये इलेक्ट हुए हैं नेशनल अकेडमी फॉर साइंस ऑफ अमेरिका, इसका मेन काम यही है कि इकोलॉजी को कंजर्वेशन करना और साथ में मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे इन दो मेन चीज़ें इसमें हैं, बता दिया मैंने आपको कि ये लाइक इसमें दो मेन चीज़ यही है कि पहली चीज़ को इसमें इलेक्ट हुए हैं और ये किस चीज़ के लिए काम आता है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ऊपर। ओके, सब और सबको मतलब कंजर्वेशन के ऊपर ही काम हो रहा है। ठीक है, साथ में इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, तो ये रॉयल सोसाइटी जो कि लंदन में उनके भी मेंबर रह चुके हैं और अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के भी ये मेंबर रह चुके हैं। ओके, एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ L&T। तो पहले L&T का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है, तो इसका ये है लार्सन एंड ट्यूरब्रो लिमिटेड। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया क्या होता है और इसके अभी कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इट्स SN सुब्रमण्यम। ओके, इन चीज़ के बारे में जान लीजिए। साथ में हम L&T के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी है और इंडिया की लाइक फर्स्ट कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में काफ़ी लाइक लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है। लाइक फ्रॉम 18 ईयर्स दे हैव टेकन द फर्स्ट लाइक टॉप पोजिशन, नॉट फर्स्ट टॉप पोजिशन में से एक। ओके, साथ में यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं ना उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ओके, एंड लाइक कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में तो इनका है ही, लाइक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड मल्टीनेशनल कंपनी भी है और मल्टीनेशनल में भी टॉप 5 में आता है ये हमेशा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्टर लॉन्च द गतिशक्ति सांचर पोर्टल विच हेल्प इन द रोल आउट ऑफ द 5G नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, सो राइट आंसर ऑफ 11th इज डी विच इज अश्विन वैष्णव। ओके, तो अश्विन वैष्णव जी हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। ओके, तो इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया, किस चीज़ के लिए, फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गोल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड बिजनेस। ओके, और टेली कम्युनिकेशन में काफ़ी बढ़िया बूस्टअप होगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पहले बनाया जाएगा, सब कुछ लाइक इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाएगा। ओके, एंड गति शक्ति तो लाइक हर चीज़ में यूज़ हो रहा है अभी, और यहाँ पे सांचर पोर्टल भी लाइक काफ़ी बढ़िया एक चीज़ यहाँ पे निकाला गया फॉर 5G इनिशिएटिव। ओके, गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मच अमाउंट टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज एट UN, सो राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स नॉट 14th इज 12th। ओके, गलत से 14 हो गया, तो यहाँ पे कितना लाइक राइट आंसर ऑफ 12th इज़ बी विच इज़ $8 लाख। ओके, तो यहाँ पे ये इतना इन्वेस्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, टू इन्हेंस द पब्लिक आउटरीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन हिंदी
एंड साथ में हिंदी को लाइक एक ग्लोबल इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बना, जैसे इंग्लिश की है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है हमेशा हर जगह पे, उस तरीके से हिंदी को भी मतलब टॉप पे लेके जाना है। ओके, अभी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो एक मैरिड्रियन है जो कि चाइना की लैंग्वेज है। ओके, उसके बाद फिर इंग्लिश है और फिर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज आने के बाद फिर हिंदी का नंबर आता है। तो इसको टॉप 5 या फिर टॉप नंबर पर पहुँचाने की बात की गई और हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं ओके, सो दैट कि इसको प्रमोट किया जा सके हिंदी लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेनियर हैज़ क्लाइम माउंटेन माउंट एवरेस्ट फॉर द 16th टाइम। सो राइट आंसर ऑफ 13th इज बी विच इज कैटॉन कूल बी। ओके, कैटॉन कूल जो है वो नॉन नेपाली और फर्स्ट फॉरनर बन चुके हैं जिन्होंने 16 टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ओके, ये और ये जो है ये ब्रिटिशर्स हैं लाइक फ्रॉम ब्रिटेन, यूके से बिलोंग करते हैं। ओके, इसके अलावा एक नेपाली गर्ल भी है जिनका नाम कामी रीता है। ओके, कामी रीता RITA, इन्होंने 26 बार जंप लगाया कहाँ से, लाइक दे शी हैज़ क्लाइम्ड फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। ओके, 26 टाइम, तो एक बड़ा अचीवमेंट, सबसे टॉप पे अभी यही है। और इन्होंने अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया था लाइक बहुत बढ़िया तरीके से। और एंड शी इज़ नेपाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन जर्मनी टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। राइट आंसर ऑफ 14th इज ऑब्वियसली ए विच इज़ इंडिया। तो इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, एंड एक्सेप्ट दैट फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे USA है, फोर्थ नंबर पे जापान, सॉरी थर्ड नंबर पे जापान है, फोर्थ नंबर पे इंडिया एंड 5th नंबर पे जर्मनी। ओके, तो अभी इंडिया ने लाइक 2021 में कितनी गाड़ियाँ बेची, इट्स 37,59,398 इन 2021। और 2021 में क्या था, COVID-19, तो जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी यहाँ पे हम लोग इतना कर रहे थे और लाइक हम लोग टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं और टॉप लाइक 4th पोजिशन पे हैं। ओके, तो ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए और जल्द ही ये जापान और US को हटाकर चाइना को भी हटाकर के नंबर 1 पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द सेकेंड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान स्टार्टेड। राइट आंसर ऑफ 15th इज बी विच इज कोटा। ओके, तो जो कोटा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट या फिर आप उनको लोकसभा के स्पीकर भी बोल सकते हो, ओम बिरला। मैंने ये क्यों बोला कि देखो ओम जो लोकसभा का जो स्पीकर कोई भी हो वो उसी में से एक मतलब इलेक्ट होता है, फिर सेलेक्ट किया जाता है उसमें से, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है। तो जो ओम बिरला जी जो है वो कोटा से बिलोंग करते हैं। ओके, तो उन्होंने ही इस चीज़ को, इस अभियान को लॉन्च किया, किस चीज़ के लिए, टू सपोर्ट एंड टू गिव न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेंस एंड इवन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द गर्ल्स। ओके, एंड साथ में यहाँ पे माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया कैंपेन बनाना बना मतलब स्टार्ट करने की घोषणा कर दी गई और स्टार्ट हो भी चुका है माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया कैंपेन। ओके, तो इस चीज़ की हमने शुरुआत कर चुकी है और यहाँ पे 1,000 प्रेग्नेंट वुमेंस को फूड आइटम्स प्रोवाइड करने की बात की गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे लाइक ब्लड टेस्ट, जितनी भी वहाँ पे मेडिसिन हैं वो सब कुछ वहाँ पे फ्री देने की बात कह दी गई है। और काफ़ी ये अच्छा इनिशिएटिव है फॉर आर इंडियन वुमेंस। ओके, स्पेशली कोटा की महिलाएं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च द नेशनल इमरजेंसी फॉर लाइफ सपोर्ट कोर्स। सो राइट आंसर ऑफ 16th इज सी विच इज़ डॉक्टर भारती प्रणव परवीन पवार। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। तो जो ये डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्टर हैं एंड यहाँ पे एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च करने की बात की गई है। ओके, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन होते हैं, तो डॉक्टर, नर्स, नर्स जी यहाँ पे डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स। ओके, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों की बात की गई कि लाइक इनको एक अच्छा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू ये और भी मतलब बढ़िया तरीके से काम कर सके। इससे पहले जो ये लोग कोर्स जिसमें ये लोग लाइक प्रोफेशनल कोर्स में जब ये इनरोल होते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा और उतना इंडिया से रिलेटेड सुटेबल नहीं था, बिकॉज जो वो कोर्स बनाएंगे वो अपने हिसाब से बनाएंगे और ये वाला जो कोर्स बना हुआ है नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कोर्स ये इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायर होकर बनाया गया, लाइक इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बनाया गया। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है और साथ में इसको इसकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है हर सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। ओके, ये काफ़ी एक बढ़िया इनिशिएटिव है फॉर आर डॉक्टर्स। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 16th इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द वानगरी मथारी फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022। राइट आंसर ऑफ 13th इज बी विच इज सिलसिले, इट्स बी सिलसिले नेटजेबेट। तो ये किस चीज़ के लिए लाइक ये कौन है पहले बात करेंगे, तो ये कमोरियन एक्टिविस्ट हैं एंड ये अवार्ड किनको दिया जाता है, जो कि आउटस्टैंडिंग जो कि लाइक दे कॉन्ट्रीब्यूट फॉर प्रिजर्विंग फॉरेस्ट एंड इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन देम। फॉरेस्ट को प्रिजर्वेशन करने के लिए काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है और इनको इसी चीज़ के लिए अवार्ड मिला हुआ। ओके, एंड साथ में इसमें जब ये अवार्ड दिया जा रहा था तो यहाँ पे इनको ये भी बताया गया कि लाइक जो वुमेन पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है एंड दैट इज़ गुड फॉर आर होल वर्ल्ड एंड आर होल ग्लोब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइजर लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विथ विच बैंक, राइट आंसर ऑफ 18 से सी विच इज एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे ये मोस्ट रिवॉर्डेड रहेगा अगर आप एक्सिस बैंक में आपका बैंक जो कि डेफिनेटली होना चाहिए, और अगर आप स्पाइस जेट में ट्रैवल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड इसमें मिलने वाले हैं, और साथ में ये वीज़ा से रहेगा कनेक्टेड, ओके, जो कि एक काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है ट्रांजेक्शन के लिए। एंड यहाँ पे रिवॉर्ड्स की बात मेन यहीं पे की गई है, और जो भी लाइक रेगुलर स्पाइस जेट में जो घूमते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, ज़्यादा इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप बस इसको बहुत ही लाइक कम चांसेस है कि पूछेगा, बट स्टिल मैंने इसको डाला इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन बाय BSE, सो राइट आंसर ऑफ 19 इज SS मुद्रा। ओके, यहाँ पे BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे किस चीज़ का चेयरमैन बनाया गया, पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर। ओके, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे बनाया गया, एंड साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी यहाँ पे चेयरमैन इनको बना दिया गया, और इससे पहले ये डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रह चुके हैं और वहाँ से रिटायर कर दिए गए हैं, एंड उसके बाद 3 साल का गैप के बाद वहाँ पे लाइक यहाँ पे इनको चेयरमैन वापस से बनाया गया। ओके, वापस से मतलब नया री अपॉइंट री अपॉइंटमेंट किया गया। ओके, और जस्टिस विक्रमजीत सेन को यहाँ पे रिप्लेस किया गया इन्होंने। ओके, तो इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है इस चीज़ के लिए, और ये ऑलरेडी काफ़ी सारे लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स, MD, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब चीज़ लाइक जितने भी बैंक से जितने भी कुछ बैंक से हेड भी रह चुके हैं। ओके, तो दिस इज़ गुड, आप इस चीज़ को एक बार इंटरनेट पर वापस सर्च करके बढ़िया से एक आर्टिकल इसके बारे में पढ़िएगा। ओके, मनी कंट्रोल के ऊपर दिया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ द 75th केनीज फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड, राइट आंसर ऑफ 20 इज सी विच इज फ्रांस। ओके, तो यहाँ पे द फिल्म फेस्टिवल फीचर अ ट्रिब्यूट टू एक्टर टॉम क्रूज, तो टॉम क्रूज को यहाँ पे ट्रिब्यूट देने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया में एक ही एक्टर को यहाँ पे चूज़ किया गया, उनका नाम है दीपिका पादुकोण, जिनको रेड कार्पेट मिलेगा वहाँ पे चलने के लिए डेफिनेटली, और दैट इज़ गुड फॉर हर एंड फॉर इंडिया। ओके, इज्जत बचा लेता है कोई ना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड हेडक्वार्टर, राइट आंसर अपनी फर्स्ट इज डी विच इज न्यूयॉर्क USA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द सांबर साल्ट लेक सिचुएटेड, राइट आंसर ऑफ 22 इज बी विच इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बख्शी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, राइट आंसर ऑफ 23 इज ए विच इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंडियन स्टेट इज गुरुमार नेशनल पार्क सिचुएटेड, राइट आंसर ऑफ 24 इज सी विच इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुजी डांस इज पॉपुलर फॉक डांस ऑफ विच स्टेट, राइट आंसर 25 इज सी विच इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ जॉर्डन, राइट आंसर 26 इज ए विच इज दिनार। दिनार काफी एक बढ़िया करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द इंदिरा सागर डैम लोकेटेड, राइट आंसर 27 इज सी विच इज इन मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, राइट आंसर 28 इज बी विच इज नवंबर 5th। इसमें सुनामी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन सब के ऊपर बात की जाती है, कैसे उसको टैकल कर सकते हैं उसके बारे में, और इससे बचा कैसे जाए, इन सब चीज़ों के बारे में इस दिन बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोपेज इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, राइट आंसर ऑफ 39 यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 29 होगा। ओके, 29 ओके, 29 इज डी विच इज मैसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन इंडिया इज द पुलकित बर्ड सेंचुरी लोकेट सिचुएटेड, राइट आंसर ऑफ 30 इज ए विच इज आंध्र प्रदेश। दोज हु आर न्यू, यहाँ पे मैं 30 क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं और 10 जो होते हैं वो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो स्टैटिक वाले होते हैं मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि वो स्टेट अवे क्वेश्चन होते हैं, बाकी जो 20 जो होते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।